और ये चाय बन के हो चुकी है रेडी। पढ़ाई करते करते भाई देख सकते हो ये अपना टैब और ये रखी बुक्स। खाता हूँ ये देख तो भाई, ये सारी बुक्स है, ये टेबल है, चाय टेबलेट, और अपना भाई वहाँ पढ़ रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, चश्मा लग जाता है, आंखों का नंबर बढ़ जाता है, आप साफ साफ देख नहीं पाते और ताने सुनने पड़ते हैं, और क्या बताऊँ, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद तो कुछ बन भी जाओ पर उसमें अलग दिक्कत, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई तो बहुत टेंशन है। इसलिए ज़िंदगी में सब बनना, डॉक्टर मत बनना, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी इज्जत आत्मा सब बेचना पड़ता है, तब तक कहीं आप डॉक्टर बन पाते हैं। देख सकते हो 5.5 साल का कोर्स होता है, कहने की बात होती है, वो 6 साल पहुँच जाता, 6.5 साल पहुँचा, बैग लग गई तो 7 साल पहुँच जाता। देख रहे हो ये आ रहा है काफी पीछे लड़का कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे तुम्हारे लड़के बच्चे को जो होने वाले बाद में कैसे तुम डॉक्टर बने, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इन 4-5 सालों में तुमने क्या खोया क्या पाया? कोई ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाता। उसके लिए अपनी आत्मा, अपना दिल, अपना दर्द, अपना दुख सब अपने ताकि रखना पड़ता है, और घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है कि सब बढ़िया चल रहा है, उनको क्या पता क्या गलत चल रहा है, कहाँ सही चल रहा है। ये देखो कितना बढ़िया था अपने घर पे, अच्छा हंसता खेलता। कभी हमारे भी दिन हुआ करते थे, कभी हम भी हंसते थे, आज किचन में बैठ करके हम कंप्लीट करते हैं। देख रहा भाई चाय बनाते बनाते पढ़ाई करनी पड़ रही, क्योंकि पेपर आ चुके हैं, क्या होगा पता नहीं भविष्य में, फिलहाल तो ठीक है भाई। हमारी जिंदगी थोड़ी अलग है ना, हम सुबह उठ के खाते हैं पीते हैं बैठते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, यहीं पे सुबह, यहीं पे शाम, यहीं पे खत्म, और भाई की यहाँ पे नहीं वाले कमरे में होती। हेलो गाइस, मोटिवेशन ले लो, कुछ मोटिवेशन दे रहा भाई, दोस्तों चाय पियो और पढ़ाई खुश रहो करो। बस, इसके अलावा कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, चाय पियो मस्त। अभी 2 बज चुके हैं तो आप लोग सो जाओ, हमारा क्या, हम तो 4-5 बजे तक सोएंगे। तो ठीक है भाई, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।